अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पर्सनली डिस्कस करना चाह रहा था कि हमें क्या हो गया, हम क्या इतने बेहस हो गए। आज मैंने काफ़ी अरसे बाद अपना सरकारी आटा जो मिले हैं, सरकारी आटा आवाम को दे रही हैं उसमें कम पैसों में, तो वो आटा मैंने देखा तो वो इंतहाई ब्लैक कलर दे रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा आटा नहीं देखा। अगर मकसद है कि देखो हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ने इस्लाम में पैदा किया और हमें इस्लाम ये सिखाता है कि हम जो हैं दूसरे की खिदमत करें, दूसरे के लिए अच्छा सलूक करें और जो खुद के लिए पसंद करते हैं दूसरे के लिए भी पसंद करें। तो क्या जो मिल मालकान हैं वो अपने लिए भी यही ले कर जाते हैं, ये आटा जो लोगों को, जो आवाम को जो खिलाया जाता है, जो ये पब्लिकली इशू हो रहा है, क्या ये खुद भी ये इनके घरों में इस्तेमाल होता है? ये सवाल मुझे खाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं इस बारे में क्या आप लोगों से कहूँ, लेकिन कम अज़ कम पैसा ही सब चीज़ नहीं होता। आप इतना तो देखें कि अगर मिसाल के तौर पे आपने आटा अगर देना है, गवर्नमेंट ने आपको ऑथराइजेशन दे रखी है, तो उस गवर्नमेंट के इस ऑथराइजेशन को गलत इस्तेमाल तो मत करें। आप उस आटे को जो जब चेकिंग के लिए टीम जाती है तो उस वक्त वो आटा आप जो है वो एक नंबर दिखा देते हैं, और जबकि पब्लिकली जो मार्केट में जाता है वो दो नंबर आटा होता है। मैं कोई ना तो इंतज़ामिया से मेंबर हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन मैं कम अज़ कम एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और शहरी होने की हैसियत से मैं ये अर्ज़ करूँगा अपने मुक्तदर इदारों से कि कम अज़ कम इन चीज़ों को परस्यू ज़रूर किया करें, कि देखें कि ये जो चीज़ इमाम को खिलाई जा रही है क्या ये सेहत के असूलों के मुताबिक है, क्या ये खाने के काबिल है चीज़, और अगर ऐसा है तो फिर तो उसको पब्लिकली इशू किया जाए, अगर नहीं है तो कम अज़ कम इस चीज़ को लाजमी देखा जाए। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी जो है अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करें। कम अज़ कम जो है हमें और कुछ नहीं, तो कम अज़ कम कल हम जब मरेंगे तो हम क़यामत के दिन इतना तो होगा कि अल्लाह ताला जब हमसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, जब आपको पता था कि एक चीज़ गलत हो रही है तो क्या आपने आवाज़ उठाई, तो हम कम अज़ कम इतना कह सकें या अल्लाह हमने ज़ुबानी हमने बात की थी, हमने अपनी रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट मुक्तदर इदारों के पास पहुंचने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो लिहाजा वो खुद मुजरम होंगे, फिर हमारे हम मुजरम नहीं बनते। तो मैं ये समझता हूँ हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, कितनी एक ज़िंदगी है और कितना पैसा हम जोड़ लेंगे। ये पैसा तो इधर ही रह जाना है, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाना है। ये इज्जत, ये जिल्लत, ये शोहरत, ये सब कुछ, ये पैसा, रुपया, जायदाद, ये सब कुछ रह जाना है, ये इधर ही रह जाना है, सब कुछ रह जाना है, कुछ भी साथ लेके नहीं जाना। तो क्या है कि भाई जिसके लिए हम जो है आवाम को इन मुश्किलात में घिरी आवाम को और लूट रहे हैं, इसमें क्या है, कितने कम कमा लेंगे? अगर आप लोगों को कोई मसला है, मकसद चीज़ महंगी मिल रही है, तो आप जो है वो उस बारे में आएँ। रेट्स आपके ऐसे भी इतने ज़्यादा हैं, रेट तो आप कहेंगे जी रेट कम है तो जैसा है वैसा है, तो आप 2600 का तो अगर आटे का तोड़ा हो 20 किलो वाला, तो ख़ुद अंदाज़ा करें कि वो गरीब आवाम जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो किधर से वो अपने बच्चों को खिलाएगा। और जब आप उसको सब्सिडी पे आटा दे रहे हैं, वो आटा इतना ब्लैक कि वो खाने का काबिल नहीं, तो ऐसी चीज़ तो ना करें, कम अज़ कम कुछ खुदा का खौफ किया जाए। मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग जो हैं वो अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करें, और कम अज़ कम हमारी जो गवर्नमेंट है उनको भी ये चाहिए कि वो इन चीज़ों पर सख्ती से अमल दरामद करें, ताकि कोई भी ऐसी हरकत करने से बाज आए। बहुत बहुत शुक्रिया।